रीवा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा, फर्जी एडमिट कार्ड से परीक्षा देने आई छात्रा गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं अंजना, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर पर। रीवा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। एक छात्रा फर्जी एडमिट कार्ड से परीक्षा देने के लिए पहुंची थी, लेकिन उसे पुलिस ने पकड़ लिया। मामला विश्वविद्यालय थाना का है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 12 अगस्त को शहर के लक्ष्मीबाई कॉलेज में आयोजित हुई थी। इस परीक्षा में बड़खरा कोराब यूपी से आई छात्रा मोनिका भूतिया शामिल हुई थी। परीक्षा केंद्र में पड़ताल के दौरान उसके एडमिट कार्ड में गड़बड़ी पाई गई। इसकी शिकायत केंद्राध्यक्ष अब्दुल सईद खान ने पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने मोनिका को फर्जी तौर से परीक्षा देने के आरोप में 470, 465, 466, 467, 471 सहित 3/4 परीक्षा अधिनियम का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी छात्रा मोनिका को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। दरअसल मोनिका ने ऑनलाइन कैफे से परीक्षा फॉर्म भरा था। कैफे में भीड़ होने के चलते उसने दस्तावेज देकर घर चली गई, लेकिन कैफे संचालक ने आवेदन फॉर्म नहीं भरा। छात्रा जब एडमिट कार्ड लेने आई तो कैफे संचालक ने फर्जी तरीके से एडिट कर एडमिट कार्ड दे दिया। इस कार्ड को मोनिका लेकर परीक्षा केंद्र गई और पकड़ी गई। मामले में दूसरा आरोपी कैफे संचालक फरार है। एसपी रीवा विवेक सिंह ने बताया कि फर्जीवाड़े की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच में पता चला कि छात्रा ने ऑनलाइन कैफे से परीक्षा फॉर्म भरा था। कैफे संचालक ने आवेदन फॉर्म भरने के लिए पैसे तो ले लिए, लेकिन आवेदन फॉर्म नहीं भरा। छात्रा को जब एडमिट कार्ड दिया गया तो उसमें छात्रा का नाम और फोटो सही था, लेकिन अन्य जानकारी गलत थी। एसपी सिंह ने बताया कि पुलिस फरार कैफे संचालक की तलाश कर रही है। इस मामले से यह साफ हो गया है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करेगी। अब सवाल यह है कि क्या परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वालों को बचने का मौका मिलेगा? क्या पुलिस ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई कर पाएगी? हम इस पर अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। अब आप हमें बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि परीक्षा में फर्जीवाड़ा करना सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। एक 12 तारीख को महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। वहाँ के केंद्र अधीक्षक और ऑब्जर्वर यहाँ पे पुलिस थाने विश्वविद्यालय में उन्होंने रिपोर्ट किया कि एक लड़का परीक्षार्थी जो एडमिट कार्ड लेके आई थी मोनिका भूतिया, उसके एडमिट कार्ड में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वैसी नहीं होनी चाहिए। जैसे उसमें ऊपर लिखा हुआ था कि पुलिस भर्ती है और नीचे लिखा हुआ था कि टीचर भर्ती है, तो इस टाइप से उसमें कुछ संदेहास्पद चीज़ें थी जिसको उन्होंने यहाँ पे लाके रिपोर्ट किया था। और फिर जिसके आधार पे इसमें कायमी की गई है। और जो अभ्यर्थी जो ये मोनिका भूतिया है ये प्रयागराज जिले की है, और जिसके आधार पे इसमें जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसका आई कार्ड एक साइबर कैफे वाले ने उसको दिया था और जिसको वो लेके आ गई थी, और जिसके आधार पे अभी टीम ने उसको तलाश करने का प्रयास किया जो अभी फरार है। ये जो प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड था ये एक फर्जी तरीके था, उसका रोल नंबर वगैरह भी नहीं था वहाँ पे, और किसी प्रकार से उसको कहीं से भी किसी सूची में भी उसका नाम नहीं था कि इसने कोई वो भरा है। और वो एडमिट कार्ड को लेके साइबर कैफे वाले के भरोसे में आके उसको एडमिट कार्ड जारी हो गया है, उसको लेके आई थी, और उसको उसमें जो एडमिट कार्ड देखा गया जब वहाँ पे एंट्री पे तो उसमें पाया गया कि ऊपर उसमें पुलिस लिखा है, नीचे टीचर लिखा है, इस प्रकार की कई सारे उसमें चीज़ें थी जो कि संभवतः साइबर कैफे वाले ने अन्य लोगों ने उसमें छेड़छाड़ किया। कैफे वाला कहाँ का है सर? ये भी प्रयागराज का है। खबरों में अब तक ले बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही खास खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।